तो आज है हमारे पास बोया का माइक, जो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कौन सा है। पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें तो मिलता है। पैकिंग कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं ये बोया का माइक है, ये ओरिजिनल वाला है। आप लोगों ने बहुत वीडियो देखा होगा कि उसमें ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है, सही होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ ए के ऊपर, और स्टिकर कुछ इस तरह का रहना चाहिए। और यहाँ पे ये जो बोया लिखा हुआ है, इसके नीचे प्रो ऑडियो सीरीज है ना, ये स्मॉल मतलब इसका साइज़ बहुत मतलब छोटा होना चाहिए, जैसा कि ये दिख रहा है। और दो नंबर जो रहता है उसमें बड़ा बड़ा लिखा रहता है, तो ये भी इसका एक पहचान है। और यहाँ पे है ये जो एड्रेस वगैरह है ना, ये प्रॉपर लिखा होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल है तो इसमें लिखा हुआ है। और जो डुप्लीकेट वाला आता है, फेक वाला आता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं आप ये सिंगल वाला माइक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देख सकते हैं ओरिजिनल वाला में ये मिलता है, अगर डुप्लीकेट वाला लीजिएगा ना तो इसमें ये बोया का लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। इसको साइड करते हैं। ये कुछ है वारंटी कार्ड वगैरह, शायद वारंटी कार्ड है ये, इसको भी साइड करते हैं। ये यूज़र गाइड, चलो ये भी साइड करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा पाउच है, इसी में है पूरा जो भी है। इसको ओपन करते हैं। ये रहा हमारा माइक, और इसका ओरिजिनल का पहचान एक ये भी है कि इस पर भी बारकोड दिया रहता है, आप देख सकते हैं। इस पर एक नंबर भी लिखा है 12930, देख सकते हैं विजिबल है। और ये वायर बहुत ही लंबा है, आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा वायर है, तो समझ सकते हैं इधर भी इतना लंबा वायर है, फिर इधर भी है। और बॉक्स में क्या है देख लेते हैं। ये हमारा पाउच, इसमें कुछ है, और देखते हैं क्या है इसमें। बस और कुछ नहीं है, क्वालिटी सर्टिफिकेट, और ये एक सिलिका है जो पता ही आपको फ्रेश रखने के लिए होता है। इसको भी करते हैं साइड, इसमें देखते हैं क्या क्या निकलता है। इसको ओपन करेंगे, बोलेंगे खुल जा सिम सिम, तो ये खुल जाएगा। बस खाली, इसमें कुछ नहीं है। ये एक आता है बैटरी, और ये होल्डर जो इसे शॉर्ट आउट में लगाने के लिए अच्छे से लग जाएगा। और ये एक चेंज करने के लिए, मतलब अगर माइक वाला यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है ये। और ये बैटरी लगाने के लिए ना हमको ये खोलना पड़ता है, यहाँ से इसको खोलना पड़ता है, इसको पूरा कैसे खुल जाएगा, यहाँ पे बैटरी लग जाएगा। आपको बता दो कि बैटरी ऐसे पहले ही मत लगा लेना, अगर ज़रूरत हो तभी लगाना। जैसे अगर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना है तो बिना बैटरी के भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप कैमरा में यूज़ कर रहे हैं जैसे गोप्रो वगैरह में, तब बैटरी का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे है बैटरी। मोबाइल का कैमरा यूज़ करना हो और साउंड रिकॉर्ड करना हो तो भी ये बैटरी का इस्तेमाल मत करना। और कैमरा से गोप्रो वगैरह से अगर रिकॉर्ड करना है तभी बैटरी का इस्तेमाल करना। और हाँ, ये बैटरी ऐसे मत लगा देना, इसे बहुत दिक्कत होता है बैटरी लग जाने के बाद निकालने में। जब ज़रूरत हो तभी बैटरी लगाना, और ज़रूरत नहीं हो तो बैटरी से मत लगाना। इसको हम क्लोज़ करते हैं, हम बैटरी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम मोबाइल में ही यूज़ करेंगे। इसको ऐसे ही रन देते हैं। और ये है, इसको ऊपर लगाया जाता है माइक के यहाँ पर, तो इसको लगा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब अभी तक आप जो सुन रहे हैं वो मोबाइल के रिकॉर्डिंग से सुन रहे हैं, अब हम इसको ट्राई करेंगे और इसका साउंड चेक करेंगे कैसा आ रहा है साउंड, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा साउंड आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो आप इस बोया के माइक से सुन रहे हैं, और आप कमेंट करके बताइए कि कैसा इसका साउंड आ रहा है, और चेक करते हैं कि इसका नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। तो अभी मैं कुछ सेकेंड के लिए साउंड शांत हो जाऊंगा, तो देखते हैं कि आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका नॉइस कैंसिलेशन कैसा है और इसका साउंड कैसा आ रहा है।
तो कुछ इस प्रकार का है इसका साउंड और नॉइज़ कैंसिलेशन। और इसको मंगाने के लिए हमको बहुत लोचा हो गया था, मतलब समझ सकते हैं बहुत परेशानी हो गया था इसको मंगाने के लिए। अमेजोन से ऑर्डर किया था, अगर कोई दूसरा ऑप्शन रहता तो मैं पक्का दूसरा ऑप्शन प्रीफर करता, अमेजोन प्रीफर नहीं करता। लेकिन क्या करें, ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही लिंक पे मिल रहा है, और वो लिंक हम आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर दूसरा कोई लिंक फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आप ये इस प्रोडक्ट को तो नहीं ले पाइएगा, आपको दूसरा ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, तो जो हम लिंक देंगे वो उसी वही एक लिंक है जिस पे ये ओरिजिनल वाला मिलता है। और इसके लिए हमने ऑफलाइन में भी ट्राई किया था, ऑनलाइन भी ट्राई किया था, तो ऑफलाइन में हमको ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, तो इसलिए हम छोड़ दिए। देखने में डुप्लीकेट टाइप का लग रहा था तो इसलिए हमने ऑफलाइन नहीं लिया और ऑनलाइन कर। तो इसको हमने ऑर्डर किया था 24 तारीख को, लेकिन 26 को आने वाला था। तो क्या हुआ कि 26 को आने वाला था तो आउटफ्लो डिलीवरी हो गया, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, और फिर उस पर शो करने लगा डिलीवर्ड। तो उसके वजह से फिर हम कस्टमर केयर में बात किए तो वो लोग बोला कि 29 तारीख तक वेट कीजिए, और 29 तारीख तक नहीं आएगा तो हम 30 तारीख को आपको कॉल करेंगे। फिर हम 29 तारीख तक वेट किए, नहीं आया। 30 तारीख को भी पूरा दिन वेट किए, फिर कॉल भी नहीं आया और प्रोडक्ट भी नहीं आया 30 तारीख तक। फिर हम दोबारा कस्टमर केयर में कॉल किए तो वो लोग दोबारा फिर से ऑर्डर किया और उस वाले को कैंसिल किया, और फिर जाकर ये आया है 31 तारीख को। तो इसके लिए बहुत परेशानी हो गया मंगाने के लिए। अगर उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होता तो मैं पक्का दूसरा जगह से मंगाता, लेकिन अमेजोन से नहीं मंगाता। लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए अमेजोन से ही मंगाना पड़ा। और आपके तरफ अमेजोन का सर्विस कैसा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आप ये भी बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से स्टेट से, ताकि हमको पता चल सके कि ये हमारे वीडियोज़ कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।